गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुभव शर्मा और आज हम चल रहे हैं 200 सीसी की बेस्ट सेलिंग बाइक जो है उसे देखने। तो चलिए मैं शोरूम चलता हूं और आपको दिखाता हूं जो कौन सी बेस्ट सेलिंग बाइक है जो 200 सीसी में बहुत फेमस है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे चैनल पे। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग रील्स, वीडियो और पोस्ट लाता रहता हूँ। तो गाइस हम पहुंच गए हैं हस्क्वर्ना KTM जो कि सेक्टर 18 में है। तो आज हम देखेंगे KTM RC 200 BS6 2022। सो यहाँ पे एक डॉगू भी है। तो ठंड का मौसम है गाइस, जहाँ भी आप स्ट्रीट डॉग्स को देखें उन्हें फूड दे, शेल्टर दे अगर पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे सामने खड़ी है 2022 ऑल न्यू KTM RC 200। हमारे पास है ये KTM RC 200 की। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। फुल्ली डिजिटल कंसोल के साथ आती है KTM RC। ऑन करते ही रेडी टू रेस जो इसके सिग्नेचर स्टाइल है वो। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन, एक्सेलेरोमीटर, स्पीड मीटर, गियर इंडिकेटर वगैरह सब आती है। एवरेज राइट स्टैंड इंफॉर्मेशन, ट्रिप 1, ट्रिप 2 आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी से एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल रेंज, ट्रिप 1 कितने किलोमीटर, एवरेज स्पीड क्या है, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी फीड है। तो अब हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लुक भी काफ़ी शानदार दिया गया है। आगे से आपको फुल LED इंडिकेटर्स और फुल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, जैसा कि हमें ड्यूक में मिलता है उसी टाइप का है, पूरी एक ही में इनबिल्टेड है। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मुझे प्रीमियम सी लगी। बाकी अगर टायर सेक्शन की बात करें तो 110x17 R17 की टायर मिलती है। WP की आपको सस्पेंशन मिलेगी जो कि अपसाइड डाउन से, वाइब्रेटेड डिस्क ब्रेक्स, डिस्क पैड काफ़ी अच्छा है, इसका फीडबैक भी काफ़ी शानदार है। RC की बैजिंग आपको यहाँ पे साइड में मिलेगी। टोटली न्यू बाइक है ये कम्प्लीटली। अगर हम गाड़ी की वेट की बात करें तो 151 kg की वेट है और फ्यूल जो कैपेसिटी है वो 13.7 लीटर्स की है। काफ़ी डिसेंट से, सीट क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है इस बार की। फिनिश जो है वो काफ़ी सही है गाड़ी की। लिक्विड कूल्ड इंजन आती है RC में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो LED टेल लाइट, टर्न LED है। बैक सेक्शन की टायर की बात करें तो 150x60 की टायर है R17 जो कि MRF जैपर है। काफ़ी डिसेंट सी टायर है, कोई इशू नहीं है। रेडी टू रेस फिर से इस पर बैजिंग की गई है बैक साइड जो कि KTM की लाइन है। और ये इसका सिल्वर कलर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये भी काफ़ी सुंदर है। गाड़ी में कोई भी लाइट आपको हैलोजन नहीं दिखेगी। अगर हम स्विचेस की बात करें तो स्विचेस की क्वालिटी पहले जैसी ही है, गुड क्वालिटी है, कोई इशू नहीं है उसमें, बट थोड़ा इम्प्रूव कर सकते थे अगर इसमें लाइटिंग दे दिया जाए तो। ये एक सिल्वर कलर की लुक है, काफ़ी प्रीमियम लगती है सिल्वर कलर में, थोड़ा हटके सा कलर है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है यार। आपको मडगार्ड पे भी KTM की बैजिंग दिखेगी, रेडी टू रेस बैक प्रोफाइल पे गाड़ी की होगा, सीट पे भी RC की बैजिंग है जो KTM की बैजिंग टैंक पे होगी और KTM RC लिखा होगा। रेसिंग KTM जो कि इंजन पे ब्रांडिंग किया गया है, KTM RC 200 की ब्रांडिंग फेयरिंग पे की गई है। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो काफ़ी अच्छे सस्पेंशन प्रोवाइड किए गए हैं WPFX के तरफ से। और अगर फिनिश की बात करें तो फिनिश मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। आप, मैं बोलूँगा आप शोरूम विज़िट करें। अगर गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत की मैं बात करूँ तो गाड़ी आपको 2.8 lakhs एक्स शोरूम इन दिल्ली पड़ेगी और 2-3 हज़ार ऊपर आपको नोएडा की पड़ेगी। आप किसी भी डीलरशिप पे जाके आप इसे विजिट करके देख सकते हैं। चलिए आप बोर हो रहे हैं तो मैं आपको एक बार इसकी एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ स्टार्ट करके कैसा साउंड करती है। सो ये इसका हेडलाइट और इंडिकेटर है, तो चलिए इसे हम एक बार स्टार्ट करते हैं।
डिटेल्स की बात करें तो कटिंग काफ़ी अच्छी है। ये रही इसकी लिक्विड कोल्ड इंजन, क्योंकि बोर की बात करें तो 72 mm बोर है इसमें। तो साइलेंसर पाइप भी इसका फ्लैट है, तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत नहीं होगी, कम टकराएगी ये अगर ब्रेकर्स वगैरह है। अगर हम क्लिपर्स और इसके फुटपैक्स की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम फिनिश है। अगर हम लीवर्स की बात करें तो एडजस्टेबल लीवर देनी चाहिए इनको, एक नॉब देना चाहिए यहाँ पे जो हैंडल क्रैश गार्ड प्रोटेक्टर होता है, ये सब चीज़ें इन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए आरसी में, तो और अच्छी लगेगी ये। बाकी प्राइस हाइक थोड़ी बहुत की गई है, अभी 2022 में जनवरी में आप प्राइस बढ़ेगी इसकी, जैसे एक्सपेक्टेड है। अगर आप प्लान कर रहे हैं आरसी लेने का तो 2021 में ले लें, ज़्यादा बेटर है, और नहीं तो आप वेट कर सकते हैं, 390 भी अर्ली जनवरी में आ जाएगी। तो That's it guys, thank you for watching my video, I hope you enjoy the video, if you enjoy the video please like my video, comment on it and share it, thank you.